हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। गैस जला दी है मैंने। अब हम इसमें रखेंगे एक बर्तन में पानी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। पानी को उबलने देते हैं। तो ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है अच्छे से। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। उबलते हुए पानी में ही डालना चाहिए। अब हम इसको 1 चम्मच की मदद से अच्छे से घुमा देंगे। चिपकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से उबल रहा है। तो इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। कट करके देख लेंगे तो पास्ता अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। बंद कर दिया मैंने गैस का फ्लेम। ये देखिए मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैंने शिमला मिर्च और प्याज कट करके रखे हैं। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं इसमें जो आपको पसंद हो। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब। एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। अब हम इसमें एक कढ़ाई में डाल देंगे मक्खन। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। इसको अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें चिली फ्लेक। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मैदा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास दूध। ठंडा दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। इसमें लम्स नहीं बनेंगे ठंडा दूध डालने से। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है ग्रेवी। तो देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो हमने सॉटे करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसको।
अब हम इसमें आधा चम्मच नमक और डाल देंगे। ये मैंने ऑरिगेनो डाला है आधा चम्मच, तो इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं आप। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। तो हमारा पास्ता हो गया है रेडी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करना। एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। ये देखिए अब हम इसमें ऊपर से हल्का सा चिली फ्लेक डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। तो चलिए